एक बार फिर आपका अपडेट दिए चलते हैं कि 5 घंटे पहले लगी आग अभी भी पूरी तरह से इस पर काबू नहीं किया जा सका। अगर हम कहें तो लंबी लंबी जो आग की लपटें थी उन पर भले ही यहां पर भारतीय सेना की मदद से उसको यहां पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन अभी भी जो धुआं है उसका आग का वो भी जो है आप देख सकते हैं। और साथ में आपको बताते चले कि बीच में अभी भी कुछ हिस्सों में यहाँ पर जो है आग लगी हुई है। ऐसे में यहाँ पर लगातार जो है मकामी लोगों और भारतीय सेना की मदद से इस पर जो है वो काबू करने की कोशिश की जा रही है। और ये तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि इस तरह से लोकल यहाँ के लोग और साथ साथ में पुलिस कर्मी CRPF और भारतीय सेना सुबह जब यहाँ पर हम लोग 5 बजे पहुँचे तो 5 बजे यहाँ पर भारतीय सेना भी पहुँच गई थी। उस समय यहाँ पर पूरी तरह से उन्होंने आग पर काबू करने की कोशिश की और लगभग अगर हम कहें तो 3 घंटे हो चुके हैं उसके बाद जो है अभी भी यहाँ पर आग बुझाने का काम जो है वो सिलसिला जो है अभी भी जारी है। अभी भी कितना नुकसान हुआ है ये कहना संभव नहीं है और आग लगने का कारण अभी भी सामने नहीं आया है। फिलहाल जैसे इसके और से और कोई अपडेट जो है आती है हम उन्हें आपके साथ फिर जुड़ने का जो है कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे कि आखिर आग लगने का कारण क्या था और साथ में कितना नुकसान हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से भारतीय सेना जो है अपना काम कर रही है और साथ में पुलिस के एहलकार भी हैं, CRPF के लोग हैं और साथ में यहाँ पर लोकल लोग हैं वो भी सुबह से यहाँ पर आग बुझाने का जो है वो काम कर रहे थे। आप साफ तस्वीर में देखे जा सकते हैं किस तरह से भारतीय सेना की मदद जो है वो ली जा रही है और साथ में यहाँ पर पुलिस एहलकार जम्मू कश्मीर पुलिस वो भी यहाँ पर स्पॉट पर है और प्रशासन कुछ अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और लगातार यहाँ पर जो इसको आग का बुझाने का सिलसिला है वो जारी है। फिलहाल यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी जो है वो इस जगह पर आग जो है वो अभी भी जो है यहाँ पर लगी है, वहाँ पर लोग जो है उस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं और बनी के बीचों बीच शहर के बीचों बीच यहाँ पर शॉप्स और साथ में मकान को आग लगने से जो है पूरी तरह से बनी अगर आप कहें तो सुबह धुआं ही धुआं में तब्दील हो चुकी थी और मंदिरों मस्जिदों से यहाँ पर स्पीकर से लोगों को ऐलान किए गए, वहाँ से अपील की गई जल्द यहाँ पर पहुँचे और आग बुझाने की कोशिश करें। और यहाँ पर भरपूर जो है वो सेना की मदद जो है फिलहाल ली जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय सेना और साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से यहाँ पर जो है वो आग बुझाने का काम जो है किया जा रहा है। इन तस्वीर में साफ देख सकते हैं और ये तस्वीरें जो है बनी अपडेट के माध्यम से आप जो है वो देख रहे हैं। इस और आप देख सकते हैं कि बड़ा हजूम लोगों का यहाँ पर जहाँ पर भी आपको नजर जाएगी वहाँ पर लोगों का हजूम आपको नजर आ रहेगा। जो भी कोई यहाँ पर आ रहा है वो आग बुझाने का जो है वो अपना जो है कार्य वो कर रहा है। ऐसे में अभी भी कहना संभव नहीं है कि कितना नुकसान जो है यहाँ पर हुआ है और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से आग लगी है भारी नुकसान जो है यहाँ पर हुआ है और आग लगने का कारण अभी भी सामने नहीं आया है।